अरे विद्यार्थियों, साइंस दी जमात च तुहाडा स्वागत है। अज असी पाठ नौ जंतुओं विच प्रजनन तहत दो तरह के जीवों बारे गल करांगे। बच्चे देने वाले अते अंडे देने वाले जंतु। इस तो बाद बच्चे जन्म लैण तो बाद बालग होण तक किस तरह का परिवर्तन करते हैं उस बारे भी गल करांगे। सब तो पहला करते हाँ बच्चे देने वाले जंतु, वो किहड़े हुंदे हन? वो जंतु जो सीधे ही बच्चों नूं जन्म दिंदे हन उन्हां नूं बच्चे देने वाले जंतु कहा जाता है। जिवें मनुख, गां, कुत्ता, बिल्ली आदि। दूसरे हुंदे है अंडे देने वाले जंतु। वो जंतु जो अंडे दिंदे हन उन्हां नूं अंडे देने वाले जंतु कहा जाता है। वो क्यों अंडे दिंदे हन? क्योंकि अंडे विच मौजूद जीव पूरी तरह विकसित नहीं हुंदा, इस करके वो अंडे दिंदे हन, बच्चे नूं जन्म नहीं दिंदे। जदों जीव विकसित हो जाता है तां अंडा तोड़ के जन्म लै लैंदा है। उदाहरण वजों मुर्गी, सप, छिपकली, चिड़ी, घुग्गी आदि। इस तो इलावा कुछ जीव है एहो जे ने जिन्हां विच अंडे तो बाद जन्म लैण वाला जंतु उस दे बालग जंतु तो बिल्कुल भिन्न हुंदा है। इस तरह के जंतुओं के विच बच्चे तो प्रौढ़ भाव बालग बनन तक दी प्रक्रिया बारे जानकारी देवांगा। कुछ जंतुओं विच नव जन्मे जंतु प्रौढ़ा नालों बिल्कुल भिन्न हुंदे हन। उन्हां जंतुओं के नव जन्मे बच्चे नूं लार्वा कहा जाता है। लार्वा दे कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा प्रौढ़ भाव बालग जंतु विच बदलन की प्रक्रिया नूं काया परिवर्तन कहिंदे हन। ये परिवर्तन कुछ छोटे जंतुओं च हुंदा है। इस बारे पूरी जानकारी अगली वीडियो दे विच उपलब्ध है। काया परिवर्तन। ਜੰਮੇ ਜੰਤੂ ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੰਤੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੌੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵ ਜੰਮੇ ਜੰਤੂ ਪ੍ਰੌੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਡੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਡੱਡੂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੌੜ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇਖੀ। ਤਿੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅੰਡਾ, ਟੈਡਪੋਲ, ਪ੍ਰੌੜ। ਟੈਡਪੋਲ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੌੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਡਪੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੌੜ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋਣਾ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵ ਜਨਮ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌੜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।